हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना करण। लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का इंडिया के टॉप डांस रियलिटी शो में, जिसका नाम है द डांस हंटर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सेमीफाइनल्स के पहले दौर में पहुंच चुके हैं, एंड नाउ हमारे सुपरस्टार जजेस, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी डांसिंग क्वीन दीपनिता, मशहूर कोरियोग्राफर वन एंड ओनली जे जे, और हमारे क्लासिकल के सरताज अभिमन्यु जी का। दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने शो की और बुलाते हैं आपके अपने स्टार फैजल को। जोरदार तालियां बजाएं फैजल के लिए। एक बार फिर जोरदार और शानदार परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे फैजल आप? कड़ी मेहनत, घंटों की रिहर्सल और मेरे मेंटर जे जे सर। ओके कट, वेरी नाइस सर। फैजल का एटीट्यूड देखा, ऐसा लग रहा है ऑलरेडी जीत चुका है। स्टार है ना, एटीट्यूड तो आ ही जाएगा। ऑनलाइन वोटिंग पोल्स, हम और हमारे जजेस भी तो उसी की तरफ है। अभिमन्यु जी, मैं तो ये शो छोड़ दूंगा बस। डोंट वरी, ये सब ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। हम लोग इसके बारे में बाद में बातें करेंगे, ओके? ठीक है। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया, छा गए, क्या बात है। मैं चाहता हूं कि आप इस स्पेशल एपिसोड के एंड में एक स्पेशल परफॉर्मेंस करें। वाह वाह, क्या बताऊं, बहुत सही है। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है मानिकलाल जी, क्या है सर? अरे फैसल बेटा, ऐसे तनक के मत आओ, वरना तुम्हारे मानिक अंकल को हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा बेटा यही शो कर दो, बस एक परफॉर्मेंस का सवाल है ना। मैं कोई स्पेशल डांस नहीं करने वाला। मानेगा, अपना ही बच्चा है, मानेगा। आइए आइए, शो शो देखिए, मानेगा वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मिलकर बात करते हैं। ठीक है, हम सब वहीं मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो, क्या? अरे वो क्या समझते हैं, जैसा वो चाहते वही होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा।
स्टॉप द म्यूजिक। डोबो कर क्या रहे हो तुम? ये क्या स्टेप्स हैं? लोग नीचे से ऊपर जाते हैं और तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मुझे तुम्हारी पूरी मेहनत चाहिए। गॉट दैट? म्यूजिक। सिमरन रुकना मत, मेरी नजर तुम पर भी है, सो कीप डांसिंग। डबली जी, ये सब हो क्या रहा है? फैजल है कहाँ? 12 बजे का टाइम दिया था, 1 बज चुका है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। और फैजल का फोन बंद आ रहा है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और तो और वो घर पर भी नहीं है। मत सुनाइए मुझे, फैजल लेके आइए मेरे पास। आप जानते हैं ना कि वो बहुत ब्रिलियंट है, ऐसा लड़का नहीं जो रिहर्सल मिस कर दे। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे सॉर्ट आउट कीजिए प्लीज। फैजल लेके आइए मेरे पास अभी। रुकिए, ये सच में फैजल है? दरवाजा खोली। मुझे लिफ्ट चाहिए, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, तो तुम सच में फैजल हो? जी हाँ, आओ ना, आओ बैठो। थैंक यू सो मच। फैजल जी, फैजल जी, हद करते हैं आप। अरे कहाँ थे अब तक आप? हैं आपको फोन लगा लगा कर हमें हाथ पे बाम लगाने वाली हालत हो चुकी थी और आप हैं कि ये हद बना के घूम रहे हैं। हद? सॉरी सॉरी दलविजय, सॉरी एवरीवन, मैं अभी आया। फैजल क्या हुआ है? एक मिनट। अरे जा कहाँ रहे हो? हुआ क्या? फैजल जी सुनिए तो मेरी बात। फैजल जी एक मिनट रुकिए, फैजल जी एक मिनट रुकिए। इस तरह कहां से आ रहे हैं फैजल? इसकी हालत देखी तुमने? अरे 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 फैजल जी, अरे फैजल जी, फैजल जी, किसे बोलूंगा मैं? कौन यकीन करेगा मेरा? ना समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ और ना ही पता चल रहा है क्या करूं। फैजल जी, फैजल जी खोलिए ना। फैजल जी, फैजल जी, आप हमें बहुत सताते हैं। अरे खोलिए ना। अरे हाँ, अपना अपने डब्ल्यू जी को बहुत हटाते हैं। हाँ सच्ची। सलाम रेडी। फैजल देखो, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी रिहर्सल्स हम लोग कल भी रख सकते हैं, इट्स ओके। नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ, वो रास्ते में
रास्ते में वो किसी काम के लिए रुक गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैं रेडी हूँ। ओके गाइस, म्यूजिक। बहुत अच्छी फैजल जी, यू आर द रॉक स्टार, कम ऑन। फैसल जी, आप ठीक तो हैं? एम्बुलेंस बुलाओ को जल्दी से। एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं, एम्बुलेंस नहीं। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। और फैसल? मैं ठीक हूँ सर। अबे वो सेठ पड़ा है, इसे उधर ही बिठाते। चलो सर, मैं अबे बाइक चलाना छोड़ दे, तुझे नहीं आती बाइकिंग। बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है। आ जा, चल आराम से लेके आ जा। चल आराम से। बहुत गया, बहुत गया। ये क्या है? आराम से। ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मुंबई से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर इस सुनसान इलाके में कॉटेज के पास खड़े हैं, जहां शोबिज के मशहूर कोरियोग्राफर अभिमन्यु, दीपान्विता और जेजे का खून हो गया है। हम आपको बता दें, ये तीनों कोरियोग्राफर मुंबई के सबसे मशहूर डांस शो को जज कर रहे थे। आप देख सकते हैं सीआईडी ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं और हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। इन तीनों के सिर्फ गले कटे हुए, बाकी इनके शरीर पर कहीं कोई हाथापाई का निशान नहीं है। ये बात तो है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि खूनी ने पहले इन्हें बेहोश किया उसके बाद इनके गले काटे? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये अजीब जगह ढूंढी है यार, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल है। ये देख, ये देख, खून से सना हुआ पंजे का निशान। हाँ, ये किसका हो सकता है? इस खूनी का भी हो सकता है या फिर इन तीनों में से किसी का। इसका ब्लड सैंपल लेते हैं और डीएनए टेस्ट करते हैं। हाँ कर रहे, पता चल जाएगा। और ये देख, जूते का निशान है। इन तीनों में से तो किसी की जूते के पेड़ी का निशान नहीं है ये। बॉस, ये जूते का निशान किसका हो सकता है? सर, ये देखिए सर, ये सिरिंज मिला वहां से। तो कहीं इसी सिरिंज में से तो वो बेहोशी की दवा नहीं दी गई इन तीनों को? गाइस गेट रेडी, फाइनल राउंड की रिहर्सल का टाइम हो गया। एपिसोड कल शूट होगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है। ओके, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्विक कम ऑन प्लीज। अरे फैजल जी, उठिए। सबसे पहले रिहर्सल आपको ही तो शुरू करनी है, आखिर आप हमारे शो के स्टार जो हैं। और याद है ना, इसके बाद हमको एज फिल्म की शूटिंग में भी जाना है। उठी शेड्यूल बहुत टाइट है।
कमान कमान कमान। वो मेरे घुटने और मेरी कोहनी में चोट लगी है तो मैं डांस नहीं कर सकता। क्या क्या कोहनी और घुटने में चोट? फैसल ये सब कब हुआ और कैसे? चलो आज का नाटक शुरू। अब हो गई रिहर्सल हमारी। अरे कुछ सुना तुम लोगों ने? कुछ सुना इस शो का? क्या होगा क्या होगा? बर्बाद हो गया मैं तो बर्बाद। अरे सर हुआ क्या है? अरे तुम लोगों ने न्यूज नहीं देखी? अरे अपने शो के तीनों जजेस का मर्डर हो गया है। बर्बाद हो गया। हाँ खून हो गया। क्या होगा मेरे शो का? क्या होगा? मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे अरे कमाल करते हैं आप, कमाल करते हैं फैसल जी। अरे इतना बड़ा कांड हो गया और आप पर इसका कोई असर नहीं? देखिए आपको पता है ना वो तीनों इंसान इस शो के जज थे और आपको बहुत पसंद करते थे। मैंने कहा ना मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे फैसल जी रुकिए तो। फैसल जी आसान के चल बता। यार कमाल है यार है। तुम लोग कैसे पता चल जाता है कि हमारी जांच पूरी हो गई? एन वक्त पर धमक जाती हो यार तुम लोग। वो क्या है ना सालों के कि इतने साल तेरे साथ काम करने के बाद हम समझ जाते हैं। ओह माय गॉड। अरे सालों की बात छोड़िए सर, थोड़े समय के लिए भी, लेकिन अगर आदमी साथ साथ काम करे ना तो ट्यूनिंग हो ही जाती है। हाँ, ट्यूनिंग ट्यूनिंग काम की बात करें वो? हाँ काम की बात। यस बस किसी ने बहुत ही इत्मीनान से इन तीनों को मारा है। गले की सिर्फ उस नस को काटा है जिससे जिंदगी के तार जुड़े होते हैं। ये देखो आप देख रहे हो तीनों के गले पर एक ही जगह एक ही जैसा घाव का निशान। इन तीनों के खून में मुझे सुडेन और बुफेन नाम की दवाई के अंश मिले हैं जो कि बेहोश करने वाली बहुत तेज असरकारक दवा है। और सर इन तीनों के कपड़े और जूतों से मिली रेत से ये पता चलता है कि उस सुनसान शेड में आने से पहले ये लोग किसी समंदर के किनारे गए थे। तो मतलब उस आदमी ने इन तीनों को समुद्र के किनारे से अगवा किया, फिर मुंबई से दूर उस शेड में बंद किया, वहां पर इन तीनों को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और फिर गला काट दिया। बिल्कुल बस। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है वो इस लिफाफे में है। शेड में आप लोगों का जो शक था वो एकदम सही निकला। तो ये तय हो गया है जो शेड में हमें निशान मिले थे वो आदमी के हैं। अब पता ये लगाना है सर कि वो खूनी का है या फिर इनके जैसे किसी विक्टिम का। जो भी हो अभिजीत, विक्टिम हो या खूनी, लेकिन निकल गया है वहां से और अभी भी जिंदा है। अब आगे की कहानी वही बताएगा हमें ये चौथा आदमी। सर सड़मके साहब ने बताया कि वो बेहोशी की दवा उस चौथे आदमी के शरीर में भी है। फिर तो वो चौथा आदमी सर विक्टिम ही होगा। पर अभिजीत ये जो बेहोशी की दवा है वो शरीर में काफी देर तक रहती है तो हम उसे। हाँ सर अगर वो आदमी उस डांस शो से जुड़ा हुआ है तो हम वहां जाके पता कर लेंगे। हा? अरे नहीं सर, वो लोग तो अच्छा अच्छा म्यूजिक बजाते, बहुत बढ़िया डांस करते। मेरी वाइफ तो उस शो की इतनी बड़ी फैन है कि बार बार रिपीट टेलीकास्ट देखती रहती है। अरे फ्रेडी उस शो की चकाचौंध के पीछे क्या चल रहा है किसे क्या पता? वो तीनों लोग उस शो को जज कर रहे हैं तो तीनों मारे गए सर। सर तीनों विक्टिम्स ने जो फोन कॉल किए थे उनके फोन की आखिरी लोकेशन जू सर्कल थी, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं हुई सर। उनकी आखिरी लोकेशन जू सर्कल? और अभिजीत जू के समुंदर का किनारा तो वहां से बिल्कुल नजदीक है। सर उनके कपड़ों और जूतों पर रेत वहीं से आई होगी। अभिमन्यु जे जे दीपन नेता, इन तीनों के फोन का आखिरी लोकेशन जू सर्कल था और फिर उनके कपड़ों पर और जूतों पर रेत मिली थी, समुंदर की रेत। और ये टापू जू बीच उस जगह से बिल्कुल करीब है, यहीं पे पूछताछ करते हैं। नसीब नसीब की बात है सर, लोग यहाँ चौपाटी घूमने आते हैं और हम लोग यहाँ इंक्वायरी करने आते हैं। और नहीं तो क्या सर, ड्यूटी पे एक बर्फ गोला खाने को नहीं मिलता है,
सचिन काम करो, ये केस खत्म हो जाने के बाद इन दोनों को यहाँ समुंदर में 4-5 घंटे तैरने की प्रैक्टिस करवाओ। अरे नहीं सर। चलो काम पर लगाओ, गोला खिलाता हूं अभी। सर। हाँ क्या है पंकज? सर इस आदमी के गले में चेन देख रहे हैं सर? हाँ सर, ये डांसिंग शो के जज जेजे के गले में मैंने देखी थी सर। जेजे के गले में? हाँ सर। क्या हुआ सर? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो क्या है ना, तुम्हारे गले में ये जो चेन है ना, वो पसंद आई है हमें, बहुत पसंद आई है। चेन? देख, भागने की कोशिश नहीं, सीआईडी के सामने खड़े हो तुम, जो कोई पूछा जाए उसका सच सच जवाब दो बस। ये चेन तुम्हारे पास कहां से आई? मैंने कुछ नहीं किया साहब, उस औरत के गुंडों ने तो मुझे पहले ही भगा दिया था साहब यहाँ से। मैं यहाँ से कल घर जाने की तैयारी में था, तभी देखा कि 3 बड़े लोग जो टीवी में आते हैं वो उस औरत से बात कर रहे थे साहब। हो सकता है इन तीनों खून में उस औरत का हाथ हो सकता है। सचिन उस औरत का हाथ तो हो सकता है, पर है कौन ये औरत? एक मिनट प्लीज, अपने रिहर्सल रोक दीजिए। माणिकलाल जी, जहां पर आपके पहले 3 जजेस की हमें लाशें मिली हैं उस सुनसान शेड में, वहां पर हमें पता चला है कि एक चौथा आदमी भी मौजूद था, उसके कुछ निशान भी मिले हैं, और उन तीनों के साथ साथ उस चौथे आदमी को भी वो बेहोशी की दवा दी गई, और हमें शक है कि वो चौथा आदमी आप में से ही कोई है, इसीलिए आप सबका ब्लड एग्जामिन किया जाएगा, तो कॉपरेट करना प्लीज। सुनिए, मैं कोई ब्लड टेस्ट नहीं करवाऊंगा। फैजल जी, सबके ब्लड सैंपल ले लो। सचिन पूर्वी, फैसल जी, फैसल जी बात तो सुनिए, खोलिए खोलिए प्लीज, फैसल जी, फैसल भाई दरवाजा खोलिए। मैंने कुछ नहीं किया सर। फैसल, फैसल बेटा दरवाजा खोलो, फैसल, फैजल मेरी बात सुनो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ बेटा, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मुझे साफ साफ बताना,
फिर आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना? लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हम, ठीक है? नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। आप सीआईडी हो, आप मुझे पकड़ोगे और मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करोगे। मैं जानता हूं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मेरी बात सुनो बेटा, तुम मेकअप रूम में कितनी देर तक बैठ सकते हो? कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। देखो बाहर आओ और हमें सब कुछ सच सच बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आ जाओ बेटा, दरवाजा खोलो। हाँ आ जाओ बेटा, चलो। अब बताओ बेटा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, सब कुछ बताओ। मैं वो चौथा इंसान हूं जो उस रात हमारे तीनों जजेस के साथ उस शेड में था। मेरे ब्लड में भी आपको वही ड्रग मिलेगा सर। और ये देखिए, ये वही कटा निशान। मुझे तो लगा कि मैं मर गया, पर मैं बच गया था। एक बात बताओ बेटा, तुम और वो तीनों जजेस वहां पहुंचे कैसे? मैं ये शो छोड़ना चाहता था सर, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता था, पर इस शो की वजह से, इन स्पॉन्सर्स की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था। यही बात डिस्कस करने के लिए मैं अपने मेंटर जेजे सर के स्टूडियो गया था। इतनी हिम्मत आ गई तुम्हें? हाउ डेयर यू, एक तो यहां चली आई और ऊपर से ये तेवर। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि मेरे सामने गिड़गिड़ाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। राजेश दादा, इस वक्त तो सर किसी से मिलते नहीं है, लेकिन ये लड़की कौन है और ऊपर से सर इतना भड़क रहे हैं उस पर? पता नहीं, सर बोल रहे थे कि विदेश से आई है, किसी होटल में ठहरी है। सर ने ही तो उसको लाने के लिए अपनी गाड़ी भेजी थी। छोड़िए ना फैजल बाबा, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। थैंक यू। जब मेरी आंख खुली तो मैं शेड में था। तीनों की लाशें देखकर डर गया था सर, और किसी तरह वहां से भाग निकला। मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं ये बात किसी को बता पाऊं, और अगर बताता भी तो कौन यकीन करता मेरा। इसलिए मैं आप लोगों से छिप रहा था। हमारे पास चले आते हैं, है ना? चल कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारी तकदीर अच्छी थी कि तुम बाल बाल बच गए। लेकिन देखना, उस खूनी को हम जरूर पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे, और तुम्हें जो मदद चाहिए हम सब करेंगे, ठीक है?
पक्का पता है ना तुझे? हाँ साहब, आज सुबह मेरे आदमी ने उसे यहीं देखा था। कल से मैं भी नजर रख रहा हूँ, मगर अब तक वो यहाँ नजर आया ही नहीं। सर, उस आदमी को देखो, इतनी गर्मी में भी शॉल लपेट के घूम रहा है। ये राजेश तुम पकड़ लो क्या? नहीं नहीं, पकड़ो मत, हल्ला गुल्ला मच जाएगा। अगर राजेश नहीं हुआ ना तो राजेश चौकन्ना हो जाएगा। शॉल लपेट के घूम रहा है ना, तुम भी लपेट लो इसे। क्या हुआ इसे? इतनी सारी चोटें कैसे आ गई? वो ये भाग रहा था सर, तो भागते भागते गिर गया। अच्छा, अब मान लिया सर इसने, फैजल को बेहोशी की दवा इसी ने दी थी। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश, राजेश नाम है मेरा। राजेश, तो फिर राजेश शुरू से आखिर तक बताओ कि तुमने क्या किया था, और फिर उस लड़की का भी राज बताओ जो जे जे स्टूडियो में आई थी। सच सच बताओ, अगर सच नहीं बताया तो फिर से गिर जाओगे, फिर से ऐसी चोटें आएंगी, है ना अभिजीत? सर, मेरी तो बस इतनी सी गलती है, बस इतनी सी गलती है कि उस लड़के की बात मानकर मैंने फैजल को पानी में ड्रग मिला कर दिया, और इसके बदले में उसने मुझे 15,000 रुपए दिए थे। और ये लड़की है कौन? ये लड़की जिसके बारे में तुम भी बता रहे हो, उस मछुआरे ने भी बताया और फैजल ने भी। और ये लड़की है कौन? ये लड़की जिसके बारे में तुम भी बता रहे हो, उस मछुआरे ने भी बताया और फैजल ने भी। आप तो उसे मिले होंगे सर। कहाँ कहाँ मिले मुझसे? डांस शो के सेट पर। यही है सर, वो 701 रूम नंबर वाली मैडम, अभी-अभी स्विमिंग के लिए आई है। अभी-अभी स्विमिंग के लिए आई है? तो फिर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। सर, लगता है वो भाग गई। नहीं सर, वो यहीं पे आई थी और मैंने उसे बताया भी नहीं कि आप लोग आ रहे हैं। सर, तो फिर गई कहाँ? चलो होटल में देखते हैं। सिमरन, तुम स्टेज पर तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करती थी तुम, और आज आज तो पानी में भी जबरदस्त परफॉर्म कर दिया। अच्छा हुआ आप बड़ी जल्दी पानी से बाहर आ गई, नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाता और अपना गुनाह भी कबूल नहीं कर पाती। सिमरन,
कहां भागोगे? सचिन, सिमरन कुमार फैजल के बाद की दूसरे नंबर की सफल प्रतियोगी, ये डांस कंपटीशन जीतने के लिए तुमने क्या कर दिया? कंपटीशन के तीनों जजेस को मार डाला और अब तुम फैजल को मारने निकली हो? मैं तो पकड़ी गई, लेकिन फैजल भी नहीं बचेगा। क्या? एक मिनट, क्या किया क्या तुमने उसके साथ? मुझे जो करना था मैंने वो कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस है ना आज, अब आप भी उसे नहीं बचा सकते। अच्छा, तो फिर देखते रहना, फैजल को हम कुछ नहीं होने देंगे। वो फैजल के ऊपर जो स्टार बना है वो कभी भी गिर सकता है। माय गॉड, फैजल! फैजल जी! हाँ, मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो बेटा? साइड 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 माणिकलाल, माणिकलाल जी,
डांस शो में तो बहुत नचा लिया लोगों को, अब जरा खुद भी नाचिए। इस लड़के ने मेरे को सड़क पर ला दिया, सड़क पर। मैंने दो बार इसे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन एक बार किस्मत ने बचा लिया, दूसरी बार सीआईडी ने। मालिक अंकल, आपने मुझे मारने की कोशिश की? हाँ फैजल, तुम्हारे इस माणिक अंकल ने और माणिक अंकल के साथ थी ये तुम्हारी कॉम्पिटिटर सिमरन। क्यों सिमरन, क्यों मारा तुमने उन तीनों जजेस को? इसलिए क्योंकि मुझे ये कॉम्पिटिशन जीतना था, लेकिन फैजल जीत रहा था, और इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए मेरे पापा ने काफी पैसे लगाए थे। क्या उन तीनों को मारकर तुम कॉम्पिटिशन जीतने वाली थी? मैंने पूछा क्यों मारा तुमने उन तीनों जजेस को? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये कॉम्पिटिशन जीतने वाले को कोई पैसे नहीं मिलने वाले, ये शो एक धोखा है। और वो जजेस सारी दुनिया के सामने मेरी असलियत बताने वाले थे। ये फैसल शो बीच में छोड़कर भागने की तैयारी में था। मैं बर्बाद हो जाता, कंगाल हो जाता। इतना कर्जा मैं कहां से चुकाता? मैंने सोचा भी नहीं था कि आप दोनों इस हद तक गिर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज आप लोगों की वजह से मैं बच गया। फैजल, हम सीआईडी वालों का तो ये फर्ज है कि निर्दोष को बचाना और मुजरिमों को सजा दिलाना। इन लोगों ने तीन तीन मासूम लोगों की जानें ली, फैजल को दो बार मारने की कोशिश भी की। तुम्हें तो फांसी की सजा ही होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।